नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत, आपके साथ मैं हूं अनुष्का। बढ़ते खबरों की ओर, रामगढ़ के पतरातू में केंद्रीय चुनाव आयोग की बैठक संपन्न हो गई। बैठक राज्य में मतदाता सूची के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2024 के तहत चल रहे कार्यों को लेकर समीक्षा की गई। साथ ही विधानसभा चुनाव की तैयारियों की जिलावार समीक्षा की गई। बैठक में सभी 24 जिलों के डीसी मौजूद रहे। बैठक में सभी जिलों के डीसी ने चुनाव आयोग को मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य का अपडेट दिया। इस दौरान चुनाव आयोग ने मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य और तेज करने का सभी डीसी को निर्देश दिया। साथ ही सभी राजनीतिक दलों के साथ बैठक करने का भी निर्देश दिया। इसके अलावा चुनाव आयोग ने कहा कि राज्य के शहरी क्षेत्रों के हाउसिंग सोसाइटी जहां 500 से अधिक मतदाता है, वहां भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार सोसाइटी के अंदर ही मतदान केंद्र बनाया जाएगा। सीनियर डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर श्री नितेश व्यास तथा श्री धर्मेंद्र शर्मा सर तथा उनकी पूरी टीम के द्वारा यहां पर आज स्पेशल समरी रिवीजन के सभी बिंदुओं पर समीक्षा बैठक करी गई है और सभी 24 जिलों की समीक्षाएं हुई हैं और इसमें कितने फॉर्म्स कलेक्ट हो रहे हैं, उनके डिस्पोजल के क्या स्टेटस हैं, हाउस टू हाउस वेरीफिकेशन तथा जितने भी एपिक कार्ड, नॉन एपिक कार्ड होल्डर्स तथा अन्य जितने भी स्पेशल समरी रिवीजन से जुड़े मुद्दे हो सकते हैं उस पर गंभीरतापूर्वक निर्देश दिए गए हैं और माननीय भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के अनुसार सभी गतिविधियों को अच्छे तरीके से संचालित करते हुए इलेक्ट्रल रोल को पूरी तरह से प्योर करने की कार्रवाई की जाएगी और यह पूरा प्रयास किया जाएगा कि जो इलेक्ट्रल रोल के प्योरिफिकेशन के कार्डिनल प्रिंसिपल्स हैं इसमें किसी भी तरीके डेड वोटर्स नहीं हों, किसी भी तरह की डुप्लीकेसी नहीं हो और सभी वोटर्स के सभी फिगर्स करेक्टेड हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।